आज हम बनाते हैं शेजवान चिली चिकन। शेजवान चिली चिकन बनाने के लिए हम लेते हैं दो प्याज, छोटे प्याज काटे हैं, एक एक करके लेयर निकालेंगे ऐसे। प्याज लेते हैं, चिकन 200 ग्राम चिकन है ये हमारा। इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, कर दी हमने इसकी प्रॉपर तैयार। और इसको करेंगे हम तेल में डीप फ्राई, पकौड़े टाइप के बनाएंगे इसके। उससे पहले उसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करने के लिए डीप फ्राई करेंगे जिसमें हम तेल हो चुका है हमारा गरम। इसको चेक करने के लिए और ऊपर से एक कर के देखते हैं एक पीस। इसको एक एक करके डालते रहेंगे। धीमी आँच में इसको पकाते रहेंगे, ये खिलोते रहेंगे हल्का हल्का, जिससे कि ये चिपके ना ऐसे। एकदम क्रिस्पी बनाएंगे इसको, बस क्रिस्पी बनाते हुए निकाल देंगे। चिकन हमारा पक चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। हमारा पक्के तैयार हो चुका है, अब इसमें हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए हम एक छोटा सा पैन, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, इसमें डालते हैं जो हमने प्याज काटे थे लंबे लंबे, इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाथ में हिलाते रहेंगे जिससे कि नीचे न लगे। हाथ में हिलाते रहेंगे इसको जिससे कि नीचे न लगे। तो
वाली शिमला मिर्च जो हमने काट के डाली थी, इसको भी थोड़ा अगर रोस्ट होने के बाद देंगे, टोस्ट करेंगे इसको धीमे धीमे आँच पे। अब तो टाइम ही है, डालेंगे हम शेजवान केचप, थोड़ी सी काली मिर्च स्वाद अनुसार और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। थोड़ी देर इसको पकने के लिए रख देंगे, जब तक एक कटोरी में शेजवान चिली चिकन की ग्रेवी हमारी बन चुकी है। अब इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई करा था, धीमे धीमे आग में इसमें हिलाते रहेंगे। शेजवान चिली चिकन हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब ये पक गया है पूरा अच्छी तरीके से, अब इसमें सर्व कर सकते हैं हम। शेजवान चिली चिकन हमारा बनके पूरा एकदम रेडी हो चुका है, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है।